उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने शेष रह गई 11 सीटों में से 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें झबरेड़ा और रुद्रपुर सीट से वर्तमान विधायक देशराज कर्णवाल और राजकुमार ठुकराल के टिकट काट दिए गए। वहीं कोटद्वार सीट पर पार्टी ने यमकेश्वर से विधायक और पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि भाजपा ने विधानसभा की 70 में 59 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली सूची 20 जनवरी को जारी की थी, जिसमें गढ़वाल मंडल की 6 और कुमाऊं मंडल की 5 फंसी हुई सीटों पर प्रत्याशी चयन के मद्देनजर पार्टी तब से मंथन में जुटी हुई थी, जिसमें से कुछ सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश तो कुछ पर दावेदारों की संख्या अधिक को देखते हुए सशक्त प्रत्याशी के चयन के लिए माथापच्ची चल रही थी। वहीं कुछ सीटें जातीय और सामाजिक समीकरणों के कारण उलझी थीं, जबकि कुछ में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची पर भी पार्टी नजरें जमाए हुए थी। ऐसे में भाजपा के प्रांतीय और केंद्रीय नेतृत्व के बीच हुई कई दौर की वार्ता के बाद पार्टी ने इन बची हुई सीट्स की गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी पाई। आपको बता दें कि भाजपा ने केदारनाथ से शैला रानी रावत, झबरेड़ा से राजपाल सिंह, पिरान कलियर से मुनीष सैनी, रानीखेत से प्रमोद नैनवाल, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, कोटद्वार से रितु खंडूडी, लालकुआ से मोहन सिंह बिष्ट, हल्द्वानी से जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला और रुद्रपुर से शिव अरोड़ा को टिकट दिया है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।